हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मोटिलियम टैबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मोटिलियम टैबलेट ये एक नोज़िया वॉमिटिंग टैबलेट है। अगर आपको उल्टी जैसा फील होता है या आपको के आते हैं कि जैसे आपको उल्टी आने वाली है या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे अभी आपको उल्टी आने वाली है, अगर आपने खाना खाया है, कोई भी चीज़ खाई है, वो आपको सही तरीके से हज़म नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, तो आपको के आना शुरू हो जाता है, लाइक फील होता है कि जैसे आपको अभी उल्टी आने ही वाली है। दोस्तों, उल्टी आने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टैबलेट है। अगर आपको वॉमिटिंग फील होती है, उल्टी जैसा फील होता है कि आपको उल्टी आ रही है, अगर आपने जो खाना खाया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, हज़म नहीं हुआ, तो आपको उल्टी जैसा फील होता है क्योंकि आपका जो स्टमक है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता आपके उस खाने को, स्लो डाइजेस्टिंग सिस्टम में चला जाता है, तो इस वजह से आपको उल्टी जैसा फील होता है कि आपका जो पेट है लाइक वो फुल हुआ हुआ है, भरा भरा फील होता है। उसके बाद ही आपको के आना शुरू होते हैं, वॉमिटिंग जैसा फील होता है और फिर आपको कभी कभार वॉमिटिंग आ भी जाती है। दोस्तों, वॉमिटिंग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और इफ़ेक्टिव टैबलेट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दोस्तों, आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, उनसे सजेस्ट कर लें। जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करें, उनसे पूछ लें, अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज़ इस टैबलेट का इस्तेमाल मत कीजिएगा। डॉक्टर का रिकमेंड करना लाजिम है। दोस्तों, मैं आपको उसके सिम्टम्स बता चुका हूँ। ये नोज़िया और वॉमिटिंग टैबलेट है। आपका जो मील है, जो आपने खाना खाया है, वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, आपके पेट में अभी भी है, इसमें आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब खाना आपके पेट में डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता, आपका स्टमक उससे सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो स्लो डाइजेस्टिंग सिस्टम में चला जाता है, मोड पर चला जाता है, तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है कि लाइक नोज़िया वॉमिटिंग है, जैसे आपको के आते हैं, जैसे अभी आपको उल्टी आ जाएगी, अभी आप उल्टी कर देंगे। दोस्तों, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं। अगर आपको ऐसा फील होता है कभी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के रिकमेंड के बाद कर सकते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोस जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।